हे गाइस, एक और नया एडिशन है मेरी किचन में, हॉकिंस ब्रांड का फ्यूचुरा डोसा तवा। चलिए आज हम देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है ये प्रोडक्ट। इस डोसा तवा के ना तीन ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक होगा 28 सेंटीमीटर जो कि हमने लिया है, एक 30 सेंटीमीटर और सबसे बड़ा वाला जो आता है वो 33 सेंटीमीटर। 4.8 mm की इसकी थिकनेस है, नॉन स्टिक डोसा तवा है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे पैक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एल्युमिनियम का बना हुआ है, लॉन्ग लास्टिंग है, हैंडल स्टडी है, नॉनस्टिक कोटिंग है जो कि जर्मनी से बन के आई है। 2 साल की गारंटी के साथ में है ये प्रोडक्ट। MRP इसकी 1285 है और हॉकिंस का प्रोडक्ट है तो इसमें ज़्यादा डिस्काउंट एक्सपेक्ट मत करिए, ना ही मिलेगा। मुश्किल से 50-60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको अमेज़ॉन पे। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और यहाँ दिया है इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलेगा, वो तो अभी हम बॉक्स खोलेंगे ही तो उसमें हमें पता चल जाएगा। चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। ऐसे भी हॉकिंस इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड, तो ये निकला है बॉक्स के अंदर। देखते हैं क्या क्या है। एक तो डोसा तवा है ही हमारा, एक स्पैचुला है जिसको हम इसमें कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे, एक स्क्रब इन्होंने दिया है, बहुत ही नॉर्मल सा स्क्रब है प्लास्टिक का जो मार्केट में 10-15 रुपये में आपको मिल जाएगा। दिस इज़ दी वारंटी कार्ड, 2 साल की वारंटी है। ऑनलाइन परचेज किया तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है, बट आपकी इनवॉइस से आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हो, इसको संभाल के रखना। यहाँ पे दिया है कॉशन, इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। बहुत ही सिंपल से इंस्ट्रक्शन है कि खाली तवे को आपको गर्म नहीं करना है, तवे के ऊपर एकदम गर्म पानी नहीं छिड़कना है। ये सारी चीज़ें हमको बेसिक इंस्ट्रक्शन से पढ़ लीजिएगा एक बारी। और ये दी है बुकलेट, इसमें भी थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन है और थोड़ी थोड़ी यम्मी रेसिपीज भी हैं। डोसा, उत्तपम, एग रोल, ये सारी चीज़ें हम इस तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। रेसिपी तो हमें मिल गई है फ्री में, ट्राई करेंगे किसी दिन। चलिए, बुकलेट में भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस दी हुई है, इसे भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। ये देख लो जी, लुक वाइज तो बहुत ही प्यारा है, रिच लुक है एकदम। और यहाँ पे हैंडल में इन्होंने पूरे जो बोल्ट वगैरह ना सब लगा के दिए, आपको रेडी टू यूज़ है, कुछ भी नहीं करना। बाकी अदर ब्रांड के जो दूसरा तवा आते हैं ना, अगर आपके आपको पहले उसकी असेंबली करनी है उसके बाद यूज़ करना है, ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ऊपर नॉन स्टिक की अच्छी सी फिनिशिंग है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। 1.36 केजी का तो वेट है इसका और 4.8 mm की थिकनेस है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है, इतना वेट तो होना चाहिए। अदरवाइज डोसा जो है ना वो धीमी आंच पे अगर नहीं सेका और क्रिस्पी नहीं बना तो मज़ा नहीं आता। लुक वाइज तो काफ़ी स्टर्डी और ड्यूरेबल लग रहा है, हैंडल की ग्रिप भी अच्छी है। और इस डोसा तवा पे ना आप आराम से 5 इंच के डोसे बना सकते हो। जो एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना मुझे इस प्रोडक्ट से, वो बस ये है कि इसमें कलर ऑप्शंस नहीं है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा खरीदने के लिए, ये वाला। अच्छा जी, एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आपको केयर इसकी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि इंस्ट्रक्शन लीफ पे दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आपका तवा लंबे समय तक चले। और लॉन्ग टर्म यूजर रिव्यू भी मैं इसका डालूंगी, पर थोड़े दिन यूज़ तो करने दो, अभी तो नया नया आया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड द वीडियो एंड दिस रिव्यू यूजफुल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।